चेयरमैन मित्तल जी, सदस्य गुप्ता जी, बहुगुणा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी रेल बोर्ड के सदस्यगण और मेरे सभी परिवार से जुड़े हुए, रेल परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहन, वहाँ पर हमारे सम्मान्य मंत्री पटना में बैठे हैं रामकृपाल यादव जी, वहाँ के मेयर साहब अफजल इमाम जी, हमारे रांची में मेरे साथी मित्र रामताल चौधरी जी, और विशाखापट्टनम में हमारे पुराने साथी मित्र हरिबाबू जी, हमारे सदस्य सांसद, हमारे दो विधायक भी वहाँ पर मौजूद है, और सभी रेलटेल से और रेल के जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, कुछ समय पहले हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाले कुछ समय में 400 स्टेशनों के ऊपर वाईफाई की सेवा जिस गूगल की साझेदारी के साथ हम लोग करेंगे। साथ साथ में रेलटेल रेल वायर की तरफ से भी अपना सबको वाईफाई दे ही रहा है, यानी दो तरफ से एक वाईफाई सेवा प्रदान करने की काम की शुरुआत हुई है। और मुझे कहने के लिए खुशी है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, इसमें 19 जगह पर तो वो हो गए हैं, 10 जगह मैंने इंक्लूडिंग 10 जगह जहां काम शुरू है, और कुछ एक साल में ही, एक साल पूरा होने से ही 100 जगह पर रेलटेल की और गूगल की ये सेवा लोगों को प्रदान की जाएगी। जहां पर भी इस सेवा की शुरुआत हुई है, जो फीडबैक हमें लोगों से मिलता है और जेन्युइन फीडबैक, वो लोग ट्वीट करते कह के कहते कि इतनी फास्टेस्ट वाईफाई सेवा हम लोग घर में पेड़ लेके हैं तो भी इतनी अच्छी नहीं मिलती, यानी इतनी अच्छी तरीके की सेवा लोगों को मिल रही है। और गूगल का ये कहना है कि वर्ल्ड में जब ये पूरा प्रोग्राम पूरा होगा तो दिस विल बी द बिगेस्ट पब्लिक वाईफाई सिस्टम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये करने के लिए रेल की तरफ से हमने काम की शुरुआत किया। हम चाहते हैं कि इसका लाभ लोगों को मिले। टिकट लेके आते हैं उनको तो मिलता है, लेकिन मुझे लगता है अभी सबको टिकट लेने की जरूरत है, कम से कम प्लेटफॉर्म टिकट तो लेना चाहिए, ऐसा कुछ प्रबंध कीजिए, नहीं तो सब लोग आके बैठ के करेंगे तो थोड़ा ये भी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक सेवा की शुरुआत हुई है और मुझे कहने के लिए खुशी है कि रेल की तरफ से अलग अलग बिंदुओं के ऊपर लोगों की मिलने वाली सेवाओं को अच्छा करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें से ये कदम है। मैं आज तीनों शहरों के सभी लोगों को, पटना में, रांची में और विशाखापट्टनम के सभी हमारे भाइयों बहनों को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आपकी सेवा करने का भी एक मौका दिया। वहाँ पर ऐसी सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी जिसमें और भी स्टेशंस आगे आने वाले दिनों में कवर किए जाएंगे, लेकिन आज जो सेवा शुरू हो रही है उसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके रेलटेल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छी रफ्तार से काम करके आगे आने वाले दिनों में और सेवा देने के लिए जो प्रयास करे, उसके लिए उनको शुभेच्छा भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई उसका कुछ करेंगे ना, इनॉग्रेशन के है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।